ओम नमः शिवाय। मो गृहिणी परिवार को आपण समस्त को पुणिथरे अनेक अनेक स्वागत। गणेश पूजा आसीगलाणी आउ आपण मानकर बहुत सारा मेसेज आसुछि दीदी गणेश पूजा आसलाणी ता उपरे वीडियो शेयर करंतु केमती कोन पूजा करिवो कोठी करिवो बोलके। निश्चिंत रूपरे आज मु आपनकु कहिबे कोठी पूजा करिवे घरे करिवे किंबा मंदिर रे करिवे या फिर मंडप रे भी बहुत सारा जगह रे गणेश सिंह को पूजा हेथाय। शायद ही किछि जिंस आपण माने जानि नथिबे ठाकुर को विषय रे तो समस्त बहुत किछि बहुत लोक जानि छथि किंतु किछि किछि रे जिंस मुझ आप सहित आज सेयार करी जोटा कि आपको बहुत ही हेल्पफुल हम बहुत भल भी लगे। तो जमी गणेश पूजा प्रति शिक्षा अनुष्ठान करा जाए थे स्कूल कॉलेज मानते जमी कोचिंग सेंटर है ट्यूशन है ऑफिस हो कि जे व्यवसाय करजनेस जगार हो दुकान बजार हो सब जगार गणेश सिंह पूजा होता है। सहित घरे आम समस्त गणेश सिंह पूजा करमर हिंदू धर्म जमीती कि पंचदेवता पूजा कराए थे। तो जमी गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न नकर्तव्य पंचदेव नमस्तुते पंचदेवता आम के भिन्न भावानी पंचदेवता आम एक बोलिक सब मानि चलिए एक बोलिक ही भाविक पूजा करवा पंचदेवता किए जमीक प्रभु श्री गणेश प्रभु नारायण विष्णु भगवान जी प्रभु नारायण सीए रुद्रे हेले महादेव अंबिके बा अंबिका माँ दुर्गा भास्कर होंगे सूर्य भगवान बुझेसला। तो प्रति हिंदू घरे प्रति हिंदू सनातनी ये पंचदेवता ठाकुर घर स्थान निश्चिंत रूप से दे था आई पंचदेवता पूजा पंचोपचार विधि में तो पंचोपचार विधि आम जेकोसी पूजा आम घर साधारण तो पंचोपचार विधि में कर कि स्पेशल पूजा हेले आम षोडशोपचार विधि में पूजा कराकि ब्राह्मण भाई द्वारा कराए थे। प्रभु श्री गणेश पूजा विषय में कथा होते प्रभु को चतुर्थी तिथि बहुत ही प्रिय जमीती प्रत वर्ष भाद्रव मस शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि प्रभु श्री गणेश पूजा करा जाए थे। प्रभु से दिन जन्मदिन होता है। तो प्रभु जन्मदिन में कौन आम प्रभु प्रिय जिनस प्रभु को कौन आम अर्पण करवा केमी पूजा करवा आ जिन बारण अच्छी से सब विषय आज आम आलोचना करवा। तो ये आम प्रथम जाणी प्रभु पूजा आप किपरि करेंगे कौटी करेंगे आ प्रभु प्रिय जिनस कौन। तो प्रभु पूजा जमी प्रभु श्री गणेश पूजा आप घर करेंगे मंदिर करेंगे या फिर मंडप करेंगे मृण्मय जो पूजा पाँच जमी मृण्मयी देवी आमर पूजा पाई था मंडपर तो प्राय लोक आम जा महाअष्टमी पूजा आम से कर तो प्रभु श्री गणेश भी बहुत सारा जगार मंडपर पूजा होता है। आपड़ जाइए कि पूर्व आप कथाई जाइए जो भाईना पूजा करने को आसवे कि जो जगार पूजा होठी मानने ग्रुप कर पूजा करती ना मेम्बर हो मानने हिसाब से पूजा करते तो आप आगे कथे जो पूजा करार थी या फिर मंदिर में पूजा करेंगे गणेश ठाकुर मंदिर तो सब जगार रही आपण आराम से जाकि मंदिर में पूजा करें पूजार सब जिन जाए आराम से बच्चे पूजा करेंगे। तो ये जिनसला घरे घरे तो आम समस्त हिंदू घरे प्रभु श्री गणेश पूजा पाई था फटो हूँ मूर्ति हूँ जमीक पीतल मूर्ति हूँ कि रूपार मूर्ति हूँ जहाँ जमी सक्षम से भाई रखिक ठाकुर पूजा प्रतिदिन करदिन ठाकुर अभिषेक करेंगे जमी पंचमृत है कंचा क्षीर है बास जल है एमती ठाकुर को अभिषेक करपर ठाकुर प्रिय वस्त्र प्रिय फूल माने प्रिय वस्त्र माने प्रिय रंग कथा कहे जो ठाकुर को जो रंग प्रिय से रंगर वस्त्र है पुष्प तापर चंदन सिंदूर धूप दीप नैवेद्य दे कि आप पंचोपचार विधि ठाकुर पूजा करेंगे। ये गला सिंपल पूजा जोटा कि समस्ते करेंगे आउ हाँ गणेश सिंह पूजा समस्ते करें बयसर सीमा देखा जाएनि आईटा केवल नुहेजे स्टूडेंट मैंने ही करेंगे गणेश ठाकुर हूँ बुद्धिदाता शुभ लाभदाता गणेश जी रिद्धि सिद्धि स्वामी भी तो सबकि प्रभु श्री गणेश पाई। तो प्रभु श्री गणेश पूजा केवल स्टूडेंट नुहे मानते जमी छात्र छात्री जो मैंने पढ़ुवे से मैंने ही करेंगे ता नुहे गणेश ठाकुर पूजा समस्ते करवा उचित बिना प्याज रसुण खाद्य खाइबे सात्विक भोजन करेंगे आ पाने तो स्वतंत्र जो मैंने स्टूडेंट अच्छा से मैंने से दिन व्रत रखा कथ जमी उपवास कथ कहनी खाइबे कि पूजा पूर्व खाइबे बहुत जन अच्छा पूजा पूर्व हाँ छोट पिला अच्छा लेट हो पूजा तो हाँ खाई सेमती करें पूजा पूजा जाके टे पा रखी थे जदि रही पारे पा पीके छोट छुआ देह खराब हो तो अल्प किसी जलखा हिसाब से आपंथे हेल्ले अन्न वगैरह कि बाहर कोई जिनस खावाक देद चिप्स विप्स है कोल्ड ड्रिंक्स है यह सब जिन अवॉइड करेंगे जमी घर मोर गणेश जी मूर्ति रही तो मुझसे ठाकुर को अभिषेक करदेवी नुआ वस्त्र पिंधेदेवी ठाकुर को जहाँ भी प्रिय जिनस रही दुब फूल फल जहाँ भी रही ठाकुर पाखे अर्पण करदेली तो पूजा हो गला ये है सिंपल पूजा। तो ये घरे जदि मुझे चाहूँ ब्राह्मण भाई द्वारा तो ब्राह्मण भाई द्वारा सबुठ भल पूजा होता है सर्वश्रेष्ठ पूजा द्वारा ही होता है कहीं कौच
କାହିଁକି ନା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୂଜା ହେଇଥାଏ ସେ ପୂଜାଟି ସଫଳ ହେଇଥାଏ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନା ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଆମକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ମନେ ରଖିପାରିବ, ଜଣେ ଗୃହିଣୀ କରିପାରିବ, ସେତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସେ ବୈଦିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂଜାରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଚମନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଚମନ ବିଧି ତ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ ବନ୍ଧନ ବିଧି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ତାର ବି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆସନ ବନ୍ଧନ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ଆମେ ପୂଜା ସମୟରେ ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ପୂଜା ଯୋଉ ଆସନ ଉପରେ କୂର୍ମ ଦେବତା ବସିଥାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ସିଏ ବସିଲେ ନା ଆମର ଆସନ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଚଢ଼େନି, ମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସେନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପୂଜା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମଜା ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନା ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଆମେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନା କିଛି ଜିନିଷ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ନା ସେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବା ତ ଆମକୁ ଆସିବନି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ନା ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲୋକମାନେ କଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ତାଙ୍କର ହାତକୁ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ, ସେ ଏଇଟି ହାତକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଥିବେ, ଏଇଠି 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 ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ ଫିଙ୍ଗର ଅଛି ନା ସେଠି ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଏମିତି ଏମିତି ଏଇ ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ା ହେବନି, ଏମିତି କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିକି ପୁଣି ଏମିତି ହାତକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ତାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ସୋରିଷ ମାନେ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ହଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚଶସ୍ୟ ହଉ, ସେ ଗୋଟେ ଦନାରେ ଦେଇଥିବେ। ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନା କହିବେ କି ଆକୁ ସବୁ ଘରର ଯେତିକି ଯେମିତି ବେଡ୍ରୁମ୍ ହେଲା, କିଚେନ୍ ହେଲା, ଡାଇନିଂ ଏରିଆ ହେଲା, କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ହେଲା, ଘରର ବାହାର ହେଲା, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଆମେ ଯୋଉ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ସୋରିଷ ଧଳା ହଳଦିଆ ସୋରିଷ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚଶସ୍ୟକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋମ ଘରେ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭାଇନା କହିଥାନ୍ତି କି ଆକୁ ନେଇକି ପୁରା ଘର ଚାରିପଟେ ସିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଆସ, ମାନେ ବିଞ୍ଚି ଦେଇକି ଆସ। ତ ତାକୁ ଦିଗବନ୍ଧନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦିଗବନ୍ଧନ ପରେ ଯେମିତିକି ସେ ଜାଗାକୁ ନା କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଅସୁର ହେଲେ, କିନ୍ନର ହେଲେ, ରାକ୍ଷସ ହେଲେ, ଯେତେ ବି ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ରହିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରାଗଲା, ମାନେ ବାହାରେ ହିଁ ଅଟକେଇ ଦିଆଗଲା। କେବଳ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିବ ସେଇ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ତ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମାନେ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଫେସ୍ ମୁହଁଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଆଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ତ କିଛିଟା ଜିନିଷ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଇବା ହିଁ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ଆସିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରିୟ ରହିଛି ତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବର୍ଜିତ ରହିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ତ ବିନା ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ଅକ୍ଷତରେ ପୂଜା କରାଯାଏନି, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀରେ ଯେମିତି ଅକ୍ଷତରେ ପୂଜା କରାଯାଏନି। ତ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ଶଙ୍ଖ ଉପଯୋଗ କରାଯାଏନି, ଶଙ୍ଖ ବର୍ଜିତ ରହିଥାଏ। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେମିତି ବେଲପତ୍ର ଆମେ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୁବ ହେଉଛି ବର୍ଜିତ ଥାଏ। ତ ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଦୁବ ବୋଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ ଦୁବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବର୍ଜିତ। ତ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ହେଇଥାଏ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଦୁବ। ତେବେ କେତେଟା ଦୁବ ଦବା, ଆଉ ଦୁବରେ ବି ଦୁବ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦୁବ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 21ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି, 21ଟି ଦୁବ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା 21ଟା ଦୁବକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ, 21ଟା ଦୁବ ପ୍ରତିଟି 21ଟା ଦୁବ ଧରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ଗଣ୍ଠି ଦେଲେ, ତ ଗୋଟେ 21ଟା ଗଣ୍ଠିକୁ ମାନେ 21ଟା ଦୁବ ବାଲା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ହେଇଗଲା। ତ ସେମିତି ଆପଣ 108 ଦୁବର ଗଣ୍ଠି କରିପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣ୍ଠିରେ 21ଟା ଲେଖା ଦୁବ ରହିଥିବ। ତ ସେମିତି ମାଳ କରିକି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏତେ ଦୁବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲ 21ଟା ଦୁବ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ତ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାର ହେଇଥାଏ, ତ ବୁଧବାର ଦିନ ବି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କମନଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ, ପିତବର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ।
तो प्रभु को आपण लाल रंगर आसन देबे जोटी प्रभु बसिबे लाल रंगर ड्रेस पिंधेबे ठाकुरंकर जो वस्त्र रहिछि तार रंग हेथिबो लाल ताकु पिंधेबे तापर ठाकुरंकु लाल रंगर पुष्प प्रिय जेमिति कि मंदार प्रभु को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है आप मंदार फूल अर्पण करेंगे ता सहित प्रभु को सिंदूर बहुत प्रिय होता है आपण देखिथे प्रतिदिन पूजा रे मु गणेश जी को सिंदूर अर्पण करथाय तो प्रभु को सिंदूर अर्पण करिवार विधान मध्य रहिछि ए विधान शास्त्र रे मध्य रहिछि जे प्रभु को प्रतिदिन पूजा रे श्री गणेश को आपण सिंदूर अर्पण करिवे आ तीन थर सिंदूर रो टीका जदि आपण दोउछन से त आहुरी बहुत भल कथा तो प्रभु को सिंदूर अर्पण करा जायथे प्रभु को सिंदूर लगाई सारिबा पर हाथ रे जो सिंदूर बळी जायथाय प्रभु को लगाई सारिबा पर हाथ रे किछि सिंदूर लागि जायथाय किबा आमे चंदन जतल देथि नाम हाथ रे लागि जायथाय तो से सिंदूर को जदि आमे मथा रे पुनि धारण करिबा लगाई तो आम सिंदूर जो कहते ना गोटे कवच हो जाए मानते गोटे प्रोटेक्ट मानते कला भाया तो सेमती हो जाए यहाँ विश्वास कथा तो सेमती आप ठाकुर लगे सारे जो सिंदूर टी हाथ रही जाए तो से सिंदूर आप मथार लगे कि हाथ को धोईकी आसिक पुणी पूजा कंटिन्यू करेंगे तापर आउ कौन ठाकुर को प्रिय ठाकुर को जमती कि मोदक बहुत प्रिय होता है मोदक बनवा बहुत ही सिंपल जमी मंडा पिठा हुए एक्जाक्ट सेमती हूँ मोदक खाली सेप होची अलगा से भली तो बहुत भेरइट रोचे आपड़ जो थे भी करेंगे कि मंडा पिठाटा मतलब बहुत ही सिंपल लगे मंडा पिठार जो जमी प्रोसेस बहुत प्रकार भेर रोचे मोदकर कि मोदक हूँ ठाकुर को बहुत प्रिय कि आम ओडा चूड़ा घसा चूड़ा घसा ठार भल मानने मानने ठाकुर प्रिय भोग आम सायद ही कह प्रति पूजा उपास चूड़ा घसा तो कंपलसरी होता है गणेश पूजा हो विश्वकर्मा पूजा हो खुद्रकुणी हो जहाँ भी हो चूड़ा घसा भाई रही तो आम चूड़ा घसा करके ठाकुर पाखे भोग लगे पारे लड्डू दे पारे मोतीचूर वाला लड्डू भी ठाकुर को प्रिय होता है राशि लड्डू प्रिय होता है बेसन लड्डू प्रिय होता है तो जहाँ आपको सुविधा हम करके देते अच्छा हाँ ठाकुर जमीक प्रति ठाकुर रही धातु प्रिय होता है किसी ना कि धातु प्रिय होता है रूपा हो तंबा हो पीतल हो सुना हो एमती किसी प्रिय होता है तो गणेश भगवान को कौ धातु प्रिय ना तंबा धातु बहुत ही प्रिय तो आप जो अभिषेक करेंगे तो चेषा करेंगे तंबा धातु अभिषेक करने मानते तंबार ढाल प्रभु अभिषेक करने तंबार ढाल क्षीर दि जाए कहुए पॉइजन हो जाए बोलिकी तो बास जल अर्पण करके तंबार ढाल ठाकुर को अभिषेक करें ये जिनस हो गला तो आउ के जिन दुब को लेकिन मत आपर थी जमीक दुब जो आम अर्पण करवा एक दुब जदि तो गंठी करा गंठी एमती कर शहे आठ जो दबा चाहिए आपपारे जदि शहे आठ मान करके दबा दुब बहुत दुब दरकार एत सारा दुब हेले जा हम तो ये दुब जदि ना तो एक दुब तो सहजे मिल जाव तो एक दुब ना जो थाए दुबर देखिए आप टिकिया थाए गोटे ऊपर होता दुईटा हो तो तीन टिकिया दुब एम आनीपरि ना पाँच जमी तले दुईटा थी ऊपर दुईटा आ गोटे हो दुब जिते लंबा होता है ना लंबा लंबा दुब आप देखिए से हिसाब से आप छिड़े आउ गोटे जगह बहुत ही छोट छोट होता है दुब तो आप तीन पत्रिका दुब देपारे पांच पत्रिका देपारे सात पत्रिका देपारे तो यह सब आने ना तीन पत्रिकार देखिए जमी तीन टे ही रही थी सी चार नंबा दुई न थो तो सेमती पाँच आने वाले भी नोटिस करेंगे जमी से चारिटा रही नंबा छटा हो न बुझीसला तो सेमती तीन पत्रिका पांच पत्रिका सात पत्रिका दुब आणिक एकोसटा करके ठाकुर को अर्पण करेंगे तपर आउ गोटे कथा सबुज रंगर दुब तो सब जगह मिल जाए अति सहजे मिल जाए सबुज रंगर दुब आ सबुज रंगर दुब प्रभु श्री गणेश को बहुत प्रिय होता है यहाँ प्रथम द्वितीय जदि सबुज रंगर दुब आप ना गोटे गोटे एरिया न थाए से धला दुब थाए है धवल वर्णर दुब रही थाए तो धला रंगर जदि दुब थोड़ा अर्पण करेंगे सी भी सेमती दुई तीन पत्रिका पांच पत्रिका सात पत्रिका आप देखिक आणिक ठाकुर को एकोसटा दुब अर्पण करेंगे एकोसटा दुब सहित फूल ठाकुर लाल मंदार तो हाँ आम समस्त जानते लाल मंदार को छाड़ गोटे पेन्थी मंदार थाए जोटा कि टिके पिंक कलर टाइप आसी थाए तो से मंदार प्रभु श्री गणेश को बहुत ही प्रिय होता है से फूल सहित आप दुब को मिसेक ठाकुर को अर्पण करेंगे बहुत भल होता है तो ये आम जान लें ठाकुर को कौन सब प्रिय होता है आउ कौ जिन वर्जित जमी तुलसी पत्र ठाकुर को वर्जित तो सेमती गणेश चतुर्थी दिन चंद्रमा दर्शन करने वर्जित दोष लगी थाए से दोष लगी थाए तो आप चेष्टा करेंगे पिला चंद्रमा दर्शन न करवाईन राति बाकी आउ कौद तो आम कौ जगवा पड़े ना कि गणेश चतुर्थी दिन चंद्रमा को दर्शन कले ना से दोष लगी थाए दोष लगी थाए कि जमीक अपवाद निंदा ये सब टाइप रही थाए तो से कह चंद्रमा दर्शन से दिन
नकरिबो भलो। तापर एबे आमे आउ गोटे कथा जानिबा, जेमिति कि प्रभु श्री गणेशंकर जेतेबेले भी आमे विग्रह आनी थांती किंबा जेमिति गणेश पूजा समय रे मूर्ति आनी थांती, तो आम मनरे बहुत कम लोक हुए तो जिनस नोटिस करिथांती। तो आपण देखिथिबे गणेशजींकर शुंड शुंड केबे होची बाम पटकु थाए तो केबे डाहाण पटकु थाए किंबा मझीरे एमती मोड़ी हेकि रहिथाए, तो कोउ पटिया शुंड ठाकुरंकर थिले आमे घरकु आणिबा शुभ हेथाए। ये जिनस मत पूर्व क्वेश्चन आसला, मे भी मोर रिप्लाई भी करी कि जेहेतु गणेश पूजा स्पेशल वीडियो हूँ प्रभु पूजा सेप्टेम्बर 7 रे, तो प्रभु बहुत जल्दी आसवे घर को पूजा हाँ, तो से आपड़ी किसी मानने विग्रह आने को जाऊे बहुत जन गणेश चतुर्थी दिन ही किसी विग्रह घर को आणिक मानते प्रतिष्ठा कर सदिन पूजा करने आरंभ कर। तो गणेश जी शुंड ना सबुबले बाम पट को जो रही थोड़ा मोड़ी से ही शुंड मानने बाम पटे शुंड गणेश जी आने बहुत शुभ होता है। तो आपड़े जितेबले भी जी गणेश जी को आने तो आप सब बाम पटिया शुंड गणेश जी को देखिकी आप आने बुझीआसला। ता सहित आउ गोटे कथा, जितेबाला गणेश जी पूजा करें पूजार जहाँ भी जदि ब्राह्मण भाई द्वारा करेंगे ना से तो गोटे लिस्ट देदेवे कौन पूजार सब सामग्री दरकार होता है। तो एमती जब सिंपल पूजा करेंगे सिंपल पूजा ठाकुर को जमी वस्त्र पईता ठाकुर को अर्पण होता है, तो आप पईता को आणिकी हल्दी पा धोईकी ना आगे धोईदे हल्दी पाने धोई पारे ना सादा पाने धोईकी से हलदी लगे ठाकुर को अर्पण करेंगे। तापर ठाकुर जमी लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है, लाल रंगर फूल लाल रंगर जो सिंदूर सिंदूर तो लाल रंग ही होता है, ऑरेंज कलर आसे कि आमर ओडिशा तो लगाती तो लाल रंगर सिंदूर ठाकुर को चंदन सिंदूर फूल ठाकुर को प्रिय भोग जहाँ भी मुझे कहली जमीक बहुत सारा भोग ठाकुर को आम देपरिया कि ठाकुर को फेवरेट होता है मोदक। तो बहुत सारा जिनस मे भी मुझे आपको जनइली ठाकुर प्रिय जिनस कौन ठाकुर को कौ जिन पसंद कौ जिन पसंद नुहे ठाकुर कौ जिन अर्पण करवा कथा कौ जिन अर्पण कराए ना वर्जित रही थाए। तो ठाकुर पूजा प्रभु श्री गणेश पूजा आप कौटि करेंगे किपर करेंगे प्रभु को कौन अर्पण करेंगे सब जिन डिटेल्स भाव में कह चेषा कर आशा करछि। आज वीडियो आपन मानको बहुत ही सहायकारी हबो। आज वीडियो आपन मानको भल लागिथिले आपन जानछन्ति कोन करिवे लाइक निश्चय करिवे आ निजर मतमत मध्ये जणैबे। ते बाजपे रोज पुनि देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। आ हां जहां भी किछ डाउट रहितबो आपन निश्चित रूप रे पछि परिवे मो पूरा चेष्टा करिवे से सब डाउट को क्लियर करिवा पई। आ हां सेप्टेम्बर 7 रे तो होछि गणेश पूजा, सेप्टेम्बर 8 रे नुवाखाई नुवाखाई पर्व मैंने जोटा पश्चिम ओडिशार बहुत ही बड़ पर्व गणपर्व रूप से मानते जनाशुना नुआखाई जुहार भेटभाट जो तरह पर्व पालन कराए। तो यहाँ तो जमी गणेश पूजा बासी नुआखाई पर्व पालन कराए। तो ये हूँ सेप्टेम्बर 8 कथा, सेप्टेम्बर 7 रे पूर्व दिन जमी गणेश पूजा आ पूर्व दिन जमीक सेप्टेम्बर 6 बाली तृतीया। बाली तृतीया को लेकिन आपण मानकर क्वेश्चन थी बाली तृतीया उपर वीडियो शेयर करने राधाष्टमी उपर भी वीडियो करवाक आपण मानकर मेसेज आस तो मुझे पूरा चेषा करी। आउ बाली तृतीया उपर जदि आपण मानकर वीडियो देखिबार अछि ताले कमेंट माध्यम रे जणैबे मुझे पूरा चेष्टा करी से वीडियो आपण मानक सहित शेयर करने। तेब आज पई रहउछि पुनि देखाओ नेक्स्ट वीडियो रे रहिली। ओम नमः शिवाय।